Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसने अपने देश के लिए कुछ ऐसी चीजों का बलिदान दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब नॉर्थर्न आइलैंड के कई हिस्सों पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था और उन्होंने सभी पुराने रूल्स को बदल दिया और खुद के नियमों को लागू कर दिया, जैसे कि सभी को ज्यादा टैक्स देना होगा, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई ज्यादा पढ़े लिखे ना, और सबसे बड़ा चेंज ये था कि उन्होंने सभी उन प्रिजनर्स के वीआईपी ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जो कि पॉलिटिशियन के थे जो किसी वजह से जेल में आए थे या फिर सरकार का विरोध कर रहे थे। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वो लोग सरकार के गलत फैसलों पर उनके बनाए गलत कानून का विरोध करते थे। उन्हें जब जेल होती थी तो उन्हें कुछ खास चीज दी जाती थी क्योंकि वो किसी तरह के कैदी तो नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई क्राइम किया था, इसीलिए उन्हें जेल में कोई भी काम ना करने की अनुमति थी, ना ही वो जेल की यूनिफॉर्म पहन सकते और जिससे भी मन हो वो उससे बात कर सकते। पर इस चीज को इंग्लिश गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया जिसके बाद चारों ओर बहुत हड़कंप हुआ, सभी लोग प्रदर्शन करने लगे, लेकिन उन्हें अब ये नहीं पता कि अब ये देश उनका नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स का है। वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए रह रहे हैं, सेम वही हाल जो हमारे इंडिया के साथ सालों पहले हुआ था। देश तो हमारा था लेकिन उसे चला कोई और बाहर वाले रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश के लिए ना तो भूख देखी और ना ही कोई बीमारी, बस लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक। हम कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं पर उनके चेहरे से पता चल रहा होता है कि अब वो थक चुके हैं क्योंकि कोई सरकार या कोई सिस्टम अब उनकी बात नहीं मान रहा। पूरे नॉर्थर्न आइलैंड के लोग परेशान और बेहाल हो गए सभी कानून से। इसी बीच हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसकी एक जेल में पोस्टिंग हुई है जहाँ पर आए दिन बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स आते रहते हैं। आज हमें यह डेवी नाम के एक कैदी को देखते हैं जो दिखने में काफी अच्छे घर का होता है, लेकिन वो आते ही अपनी डिमांड रखने लगता है, जैसे कि वो कुछ भी काम नहीं करेगा, जेल की यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा और बहुत कुछ। उसे लग रहा है कि अभी भी इस जेल में वो कानून चल रहा है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वहाँ के इंग्लिश ऑफिसर उसे पहले खुद के कपड़े उतारने को कहते हैं और फिर इतना मारते हैं कि उसका सर ही फट जाता है और फिर बिना कपड़ों के एक ही सेल में बंद कर देते हैं। वो सेल में किसी कमरे जैसा नहीं बल्कि टॉयलेट जैसा लग रहा था। ऐसा क्यों वो भी हम आपको बता दें। दरअसल जितने भी कैदी यहाँ पर मौजूद हैं वो एक डर्टी गेम नाम की प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें वो किसी भी तरह के टॉयलेट करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे बल्कि वहीं सेल के अंदर ही टॉयलेट करेंगे और जो भी उनका वेस्ट होगा उन्हें वो वहाँ की दीवारों पर पोत देंगे। ऐसे ही डेवी के सेल वाला बंदा भी करता है और उसकी पूरी दीवार सड़कर बेहाल हो जाती है। उन्हें जब भी यूरिन आता है वो एक ट्यूब में उसे यूज करते हैं और फिर उसे गेट के बाहर लुढ़का देते हैं। और ऐसा सिर्फ वो नहीं बल्कि सभी कैदी करते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये उनका प्रोटेस्ट करने का हिस्सा है। वो भले ही जेल के अंदर है लेकिन उनके अंदर अभी भी जज्बा बाकी है अपने देश के लिए लड़ने का, उन्हें कानून बदलने का जो उनके लिए सही है। अब डेवी चारों ओर देखता है और हैरान रह जाता है, और जब वो जॉन अपने साथी को देखता है तो और हैरान हो जाता है क्योंकि वो पिछले 3 महीने से नहाया नहीं था। कुछ देर बाद उसके लिए खाना आता है जिसे वो खाने लगता है, लेकिन तभी जॉन उसके सामने ही टॉयलेट करने लग और फिर अपने वेस्ट को दीवारों पर पोत देता है। ये देखकर डेवी का मन अजीब सा होने लगता है और वो खाने को फेंक देता है। उन दोनों में बात ही होती है तो डेवी बताता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था लेकिन फिर एक दिन आर्मी वाले ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पर लाकर बंद कर दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हारी इस सेल की हालत देखी तो मैं और हैरान हो गया। जॉन जवाब देते हुए कहता है ये हम लोगों का एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का जिसमें हम ना तो कपड़े पहनते हैं और ना ही यहाँ का वॉशरूम यूज करते हैं, घबराओ मत तुम कुछ दिन में समझ जाओगे। अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। डेवी उस सेल में लगी एक लौती खिड़की से बाहर देखता रहता है और यही सोचता रहता है कि आखिर क्यों बड़े लोग छोटे लोगों को किसी जानवर की तरह समझते हैं, क्या गरीब लोगों के जीने का हक नहीं होता। यहाँ एक और बात पता चलती है, जब भी इन कैदियों से इनकी फैमिलीज मिलने के लिए आने वाली होती है तो इन सभी को अच्छे कपड़े दिए जाते हैं ताकि ये उन्हें पहनकर उनसे मिले और सभी को यही लगे कि अंदर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये कैदी उन सभी से 4 कदम आगे होते हैं। हम डेवी को देखते हैं जो एक छोटे से पेपर पर कुछ लिखता है और उसे अपने मुंह में फंसा लेता है। जब उसकी वाइफ उसे मिलने के लिए आती है तो वो उसे किस करता है और वो पेपर उसके मुंह में चला जाता है। ऐसे ही दूसरी ओर हम जॉन की पत्नी को भी देखते हैं जो एक शातिर दिमाग वाली औरत थी। तभी वो एक रैपर में कुछ छुपा कर लाई थी और बड़ी ही चालाकी से वो उसे थमा देती है, किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती। जब वो लोग वापस अपने सेल में जाते हैं तो जॉन उस रैपर को अपने वेस्ट में छुपा देता है जहाँ पर उसने वो सब इकट्ठा किया था। अब रात होने पर वो उसे बाहर निकालता है। जब सभी सो रहे होते हैं तो वो असल में एक छोटा सा रेडियो होता है जिसमें वो बाहर क्या हो रहा है वहाँ के बारे में सुन सकता है।
वो जैसे तैसे करके उसे खिड़की पर अटकाता है और फिर उसकी सारी सेटिंग को सही करता है। लेकिन जो बाहर से न्यूज उसे मिलती है उसे सुनकर उसका और डेवी का दोनों का दिल टूट जाता है। जेल में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन बाहर उनके हक के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। सरकार को भी उनके इस प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जानकर वो दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। उनका सारा मनोबल टूटने लगता है लेकिन इन्हें अभी ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इन सभी के नाम सोने के अक्षरों में लिखे जाएंगे, इतिहास की किताबों में। एक दिन जब जॉन सो रहा होता है तो सुबह सुबह किसी के चीखने की आवाज़ आने लगती है। वो फौरन डेवी को जगाता है। उन्हें लगता है कि अब शायद उनका अंत करीब है। वो लोग सभी को मार रहे हैं लगता है और अब इनकी बारी आ गई है, इसीलिए वो दोनों तैयार हो जाते हैं। पर लेकिन इतनी देर में जब हम बाहर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में वहां पर लोग बॉबी नाम के कैदी को पकड़कर उसे नहलाने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि उसके माता पिता उसे मिलने के लिए आ रहे हैं। पर बॉबी जाने से मना करता है और उस पुलिस ऑफिसर के मुंह पर ही थूक देता है। ये वही होता है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो ऑफिसर उस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके बालों के साथ साथ उसकी स्किन को भी काट देता है, जिसे बॉबी दर्द के मारे चिल्लाता है लेकिन उसके कान में जू तक नहीं रेंगती। इसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती उसे नहलाते हैं और फिर वैसे ही हालत में उसे ले जाकर कपड़े पहनाकर उसके माँ बाप के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन उन्होंने उस पर नज़र रखी हुई थी, कहीं वो कुछ उन्हें बता ना दे। अब बॉबी एक भी शब्द नहीं कहता और चुपचाप बैठ कर स्मोक करता रहता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम पूछती है कि उसके चेहरे पर यह चोट कैसी लगी, क्या उसकी किसी से लड़ाई हुई है, अगर ऐसा हुआ है तो वो कंप्लेन करेंगी ताकि वो वहाँ की साफ सफाई कर सके। लेकिन जब वो सेल की हालत देखता है तो दंग रह जाता है। इतनी गंदगी में कोई जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता जितनी गंदगी वहाँ की दीवारों पर थी। वो पानी से उसे साफ करता है पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो फिर से उसे वैसा ही कर देंगे और उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी को आज प्रेयर के लिए एक साथ लाया गया है। एक यही समय होता है जब पूरे हफ्ते में जब सभी कैदी एक साथ ही होते हैं, एक जगह पर होते हैं और उनके आसपास कोई भी पुलिस वाला नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर बॉबी के पास एक कैदी आता है और उसे कुछ देता है, जिसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं और फिर ये सेशन खत्म हो जाता है। रात के समय में जब सभी सो जाते हैं तो बॉबी उस नोट को निकालता है जिसमें लिखा था कि कल के दिन कुछ अनोखा होने वाला है, ये लोग हमें कुछ नए कपड़े देंगे ताकि हमारा ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। वो ये पढ़कर उस नोट को जला देता है और फिर सो जाता है। अब अगले दिन बाहर कुछ हलचल होती है। सभी को कुछ रंग बिरंगे कपड़े दिए जाते हैं, उन्हें जूते दिए जाते हैं बारी बारी करके, और यहाँ वो नोट वाली बात सच निकलती है। जब ऑफिसर उन सभी को ये कपड़े दे रहे होते हैं तो उन्हें देखकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज इनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बॉबी की बारी आती है तो वो चुपचाप उन कपड़ों को अपने सेल में ले जाकर रख देता है और बड़ी देर तक उसके साइड में बैठ कर सोचता रहता है। ऐसे ही सेम उसके और साथी भी करते हैं और फिर अचानक से वो सभी सेल में रखी हुई चीज़ों को पटकने लगते हैं और बॉबी की देखा देखी सब यही करने लगे थे। ये उनका गुस्सा था जो कि ये बता रहा था कि वो ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा और उनके दिए हुए कपड़ों को भी वो नहीं पहनेंगे, उनका ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। लेकिन ये बात वहाँ के हेड को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो बाहर से फोर्स बुलाता और सभी को अंदर चेकअप के बहाने ले जाता और उनसे कहता है कि वो तेज़ तेज़ अपनी शील को पीटने लगे। ऐसा इसलिए था ताकि उन कैदियों की चीखें और चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। फिर वो एक एक करके सभी को बाहर लाते हैं और उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं क्योंकि उनके आदेश का पालन वो नहीं कर रहे थे। जेलर तो एक कैदी को ऐसी जगह पर हाथ घुसा देता है जिससे कि वो मरते मरते बचता है और फिर उसी हाथ को वो औरों के मुँह में डाल देता है ताकि जो बीमारी उस कैदी को हुई थी वो औरों को भी हो जाए। कुछ ऐसे भी कैदी थे जिनके हौसले बहुत ही ज़्यादा बुलंद थे, इसीलिए वो उल्टा उन पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ बात जेलर को पसंद नहीं आती तो फिर वो उनको पकड़ते हैं और फिर नंगे शरीर पर लाठियों से अंधाधुंध उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले थे जिनके अंदर इंसानियत जिंदा थी, उन्हें अच्छे से पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, ये कैदी उन्हीं के देश के लोग हैं और उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है, इसीलिए वो साइड में जाकर रोने लगते हैं और गॉड से माफ़ी मांगने लगते हैं। ये सीन देखकर हमें आइडिया होता है कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर कितना जुल्म किया है राज करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बाद ना जाने कहां से लेकिन ये बात लीक हो जाती है कि जेल में एक पॉलिटिकल प्रिजनर को उसके जेलर ने मार दिया है, जिसे क्या था, हर जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था और इस बात का डर जेलर को सताने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए क्योंकि सभी को पता था कि सारे ऑर्डर उसी के हाथ से आते हैं। और ऐसे ही एक दिन वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है लेकिन तभी दोस्तों जिस बात का डर होता है वही हो जाता है, एक इंसान आकर सभी के सामने उसे गोली मार देता है और बड़ी ही कैजुअली वहां से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी और आगे बढ़ती है और एक दिन बॉबी से मिलने के लिए उसका एक नामी दोस्त आता है।
जो उसे बताता है कि जेलर को किसी ने मार दिया है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंदर उसने कुछ गलत किया। लेकिन यहाँ बॉबी कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें कुछ और करना होगा, मैंने हंगर स्ट्राइक करने का सोचा है। लेकिन उसका दोस्त इससे साफ इनकार कर देता है क्योंकि कुछ सालों पहले 7 लोगों ने यही सेम चीज करी थी और फिर उनकी भूख के कारण मौत हो गई। लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। पर यहाँ बॉबी ने कुछ और सोच रखा है, वो कुछ लोगों को चूज करेगा और फिर उनसे कहेगा कि वो 2-2 हफ्तों के गैप में स्ट्राइक को शुरू करें। ऐसा करने पर हमारी ये स्ट्राइक ज्यादा लंबी चलेगी और उन 7 लोगों ने ये स्ट्राइक एक साथ करी थी इसीलिए वो बहुत ही कम समय तक चली। मैंने 35 लोगों को चूज करा है जो कि स्ट्राइक को मेरे साथ देंगे। तो उसका दोस्त कहता है कि लेकिन सबसे पहले इसे करेगा कौन, क्योंकि पहले वाले को ही देखकर औरों के अंदर हिम्मत आएगी वरना ऐसे ही बाकी लोग हार जाएंगे, तो कोई और इसे पूरा नहीं करेगा। अब ये बात सुनकर बॉबी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है कि जब वो एक दिन पिकनिक पर गया था अपने स्कूल की तरफ से, वहां पर एक झरने के पास उसे घोड़े का छोटा सा बच्चा मिला जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे। सभी को उस पर बहुत दया आ रही थी लेकिन किसी को उसका दर्द नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने उस बच्चे को पानी में डुबा दिया और तब तक डुबाया जब तक वो मर नहीं गया। लेकिन मेरी टीचर को लगा कि मैंने कोई पाप किया है इसीलिए वो मेरे बाल खींचकर स्कूल तक ले गई और उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन मैंने कोई गलती थोड़ी करी थी, जो दर्द वो हर रोज झेलता था मैंने एक दिन उस दर्द से उसे आज़ाद कर दिया। तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं आखिर में क्या कहना चाह रहा हूँ? वो कहता है कि हाँ, यानी कि तुम मेरे वो पहले शख्स होगे जो स्ट्राइक को शुरू करोगे। वो सर हिलाता है, कहता है कि ज़रूर, वो मैं ही हूँ। जब स्ट्राइक शुरू होती है तो उस समय बॉबी का वज़न 65 किलो होता है लेकिन एक हफ्ते कुछ ना खाने की वजह से वो घटकर 60 किलो हो जाता है। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है, उसे भी पता है कि आने वाले समय में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है वो कमज़ोर होता रहता है। जेल वाले उसके लिए अच्छे अच्छे खाने को लाकर उसके पास रखते हैं लेकिन उसका हौसला इतना बुलंद था कि पानी पास में होकर भी उसने अपनी प्यास नहीं बुझाई। उसने अपने देश के लिए 40 दिन तक भूखा ही रहना बेहतर समझा और आज 47वां दिन है। उसका वजन घटकर अब 45 किलो हो गया है, वो अब किसी कंकाल की तरह हो गया है। दिन भर बस बेड पर ही पड़ा रहता है। जब एक बारी डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि उसका शरीर पे कमजोरी की वजह से इन्फेक्शन हो गया। उसकी बॉडी अब उसकी स्किन को खा रही है जिसमें वो उसके दवाइयों को लगाता है जिसमें बॉबी और वो उस पर दवाइयों को लगाता है जिसमें बॉबी को बहुत तकलीफ होती है। एक दिन उसके माता पिता उसे मिलने के लिए आते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो उसे बार बार पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन बॉबी कुछ नहीं कहता और वापस अपने सेल में चला जाता है और फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। रोज खाना आता है और फिर वापस चला जाता है। इतने टाइम से भूखा रहने की वजह से उसे अब दौरे भी आने लगे थे जिसमें वो बार बार मौत के मुंह से वापस आता था। डॉक्टर का कहना था कि उसकी बॉडी अब काम करना बंद कर चुकी है, उसके लंग्स सिकुड़ चुके हैं, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है सही से पानी और खाना ना मिलने की वजह से। और एक बारी जब वो नहाने के लिए जाता है तो डॉक्टर देखते हैं कि उसने पानी की जगह खून का पेशाब किया है। वो डॉक्टर खुद गॉड से प्रे करने लगता है लेकिन बॉबी ने हिम्मत नहीं हारी थी, वो अभी भी अपने देश के लिए अपने हक के लिए लड़ रहा था चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो नहाने के बाद खड़ा होने की कोशिश करता है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है क्योंकि उसके पैरों में अब इतनी जान बची नहीं है कि वो खड़ा हो सके। अब डॉक्टर उसे उठाकर सेल में लाते हैं और यहाँ पर बॉबी का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, शायद उसका अंत करीब आ रहा है क्योंकि हर दिन उसकी बॉडी में बने घाव सड़ रहे थे और उसका दिल भी अब काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था। अब एक दिन जब उसकी माँ उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और प्रे भी करती है। बॉबी उन्हें देख रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर अब इतनी जान बची ही नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। अब लेटे लेटे वो अपने उन दिनों को याद करता है जब वो अपने बचपन में था और सोचता है कि वो बचपन के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे जब हमें ना तो धर्म की, ना ही कास्ट की और ना ही पैसे की और ना ही पावर की किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं था। हम औरों के साथ खुश रहना सीखते थे चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। अगले सीन में हम बॉबी को उसकी आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यह हमें बताया जाता है कि उसने 66 दिन बिना खाए पिए गुजार दिए और फिर उसकी मौत हो गई और ये स्ट्राइक पूरे 7 महीने तक चली जिसमें 7 पॉलिटिशियन प्रिजनर की जान चली गई। लेकिन उन 7 लोगों की जान बेवजह बर्बाद नहीं हुई क्योंकि इसके बाद अब शहर में भी लोगों के प्रोटेस्ट जारी हो गए। बॉबी की मौत ने सभी को एक हौसला दिया, उनके अंदर एक आग जला दी, वो भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दुनिया झुकती है, बस उसे झुकाने वाला चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने बॉबी की उन सभी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जिसमें वो लोग ना तो जेल यूनिफॉर्म पहनेंगे, उन्हें खत लिखने की आज़ादी होगी, वो किसी से भी बात कर सकते हैं और आखिर में वो किसी भी तरह का जेल में कोई काम नहीं करेंगे। ये सभी चीज़ें उन कैदियों पर लागू होंगी जो अपने देश के लिए लड़ते हुए जेल गए हैं।
साफ शब्दों में कहा जाए तो फ्रीडम फाइटर। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का और 3000 लाइक का, तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।